नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पूरी दुनिया में एल्बिनिज्म नाम के डिसीज से जो भी लोग प्रभावित हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है, तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह दिवस 13 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एल्बिनिज्म नाम के डिसीज की बात करते हैं तो यह एक वंशानुगत रोग है और जब शरीर में मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति एल्बिनिज्म नाम के डिसीज से ग्रसित हो जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है मेड टू साइन। तो ये आप देख सकते हैं इन बच्चों को जो कि एल्बिनिज्म नाम के डिसीज से ग्रसित हैं और इनकी त्वचा जो होती है वह हमारी कई प्रकार के कैंसर, जैसे कि हमारा जो स्किन कैंसर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुभेद्य हो जाती है। तो ये होता है एल्बिनिज्म नाम की डिसीज। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता को किस नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हमारे पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी नौसेना है उसके कुल मिलाकर के 3 कमान हैं। एक हमारा है पूर्वी कमान जो कि आपको विशाखापट्टनम में मिलेगा, एक हमारा है पश्चिमी कमान जो कि है मुंबई में, और एक है दक्षिणी कमान जो कि आपको मिल जाएगा कोच्चि में। तो यहाँ पर जो विशाखापट्टनम वाली पूर्वी नौसेना कमान है इसी के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता को। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विशाखापट्टनम में ही पूर्वी कमान जो है यहाँ पर डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण कमान की जो कि कोच्चि में है, इनके द्वारा एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया गया कोविड-19 के मरीजों को एयर लिफ्ट करने के लिए। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज भी दे सकते हैं, इसके अलावा पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी। और यह है टेलीग्राम चैनल, यहां पर भी आपको पीडीएफ मिला करेगी। तो कल जो मैंने आप लोगों से सलाह मांगा था उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे सलाह भी दिए और बहुत सारे सलाह आप कह सकते हैं कि थोड़े से बेकार भी थे। बेकार इन दिस सेंस आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को वीडियो बड़ा चाहिए, कुछ लोगों को वीडियो छोटा चाहिए, कुछ लोगों को प्रश्नों की संख्या ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों को प्रश्नों की संख्या कम चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि ऑप्शन ऐसे हों जिनको आपस में रिलेट करके बताया जाए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि जब आप आपस में सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं तो उससे एक खिचड़ी पक जाती है। और उसी प्रकार से अगर सभी लोगों की सलाह को इंक्लूड कर लिया जाए तो यहाँ पर करंट अफेयर के वीडियो में भी खिचड़ी पक जाएगी। तो इसीलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है अब मैं उसी के अनुसार आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा और कोशिश ये करूँगा कि प्रश्नों की संख्या मुझे कम ना करनी पड़े, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं किसी भी प्रश्न को लेकर के कि ये नहीं पूछा जाएगा। जैसे कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि कई सारे तो एकदम बेकार प्रश्न होते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप बता दिया करिए कि ये एकदम बेकार प्रश्न है या ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे जो बेस्ट क्वेश्चन हो उन्हीं को सेलेक्ट करूँ। कई सारे क्वेश्चन मैं रोज़ स्किप भी करता हूँ, इसीलिए मैं अब कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्रों को एनालिसिस किया है उसी के अनुसार अब आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिलीपींस में भारत के नए राजदूत बन गए हैं शंभू एस कुमारन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शंभू एस कुमारन की बात करें तो अभी तक ये मोरक्को में भारत के राजदूत थे और अब इन्हें हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है फिलीपींस का नया राजदूत। फिलीपींस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मनीला में मिल जाएगी, मुद्रा यहाँ की है पेसो और राष्ट्रपति यहाँ के हैं रॉड्रिगो ड्यूटर्ते। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 पैंडमिक के कारण अपने वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश भी है फिलीपींस। इसके अलावा फिलीपींस के द्वारा ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है जो कि इतिहास में तीसरी बार कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है।
वहीं पर अन्य नामों की बात करते हैं तो गायत्री कुमार ब्रिटेन में बन गई हैं, पी कुमारन सिंगापुर में बने हैं, रवीश कुमार की बात करते हैं तो ये हमारे नए राजदूत बन गए हैं फिनलैंड में। और राजदूतों की बात करें तो रेयरली आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी पिछले साल के पेपर हैं आप उठा के देख सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत आपको राजदूत के ऊपर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं फिलीपींस की लोकेशन, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जून 2020 में इनमें से किसके द्वारा सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसकी शुरुआत की है हमारे किसान कृषि और किसान कल्याण मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी हमारे युवा हैं उनको इंटर्नशिप करवाएगी कौन, राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग। इंटर्नशिप होता क्या है, तो इंटर्नशिप वैसे भी जो स्टूडेंट हैं, मैं तो आपसे कहूँगा कि आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि इंटर्नशिप आपको कहीं पर मिल जाए। कई सारी वेबसाइट हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप की खास बात यह होती है कि इसके अंतर्गत आपको चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, और उस दौरान जब आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो उसके दौरान आपको कुछ पैसा भी दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 माह तक पैसा भी दिया जाएगा जो भी युवा इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। और इंटर्नशिप इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी आयु 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको फिर अपने पॉकेट मनी के लिए अपने परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो कोशिश ये करिए, ऑप्शन बहुत सारे हैं, पढ़ाई के साथ थोड़ा सा समय निकालिए और कोशिश करिए कि इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विकास योजना की शुरुआत की, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई, जो कि था आपका 12 जून को। अब ये प्रोग्राम है क्या, तो जो भी हमारे श्रमिक के बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहीं पे आसपास वो काम करते हैं, तो सरकार ने ये योजना शुरू की है जिससे श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया जा सके। 8 से 18 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, और इस सहायता के अंतर्गत जो भी लड़के हैं उनको 1,000 रुपये की मासिक सहायता और लड़कियों को 1,200 रुपये की मासिक सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से कई सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इन्होंने अपने कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया, यानी कि गूगल मैप्स के साथ पार्टनरशिप की, वर्चुअल कोर्ट का भी इन्होंने शुभारंभ किया, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के पोर्टल की भी इन्होंने शुरुआत की, और इन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासन आयोग का भी गठन किया है, स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है इन्होंने सिडवी के साथ में मिलकर के, और इनके जितने भी हॉस्पिटल हैं 75 जिलों में उन सभी में वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई, और यहाँ का जो डाक विभाग है उसने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है 1 दिन में मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचने का। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर जो भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वहाँ पे आरोग्य सेतु नाम के ऐप के यूज़ को अनिवार्य कर दिया। निर्माण क्षेत्र में पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला भारत का पहला संगठन कौन बना, तो यहाँ पर पहला संगठन बन गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पूरी तरीके से डिजिटल होने का मतलब क्या है, यानी कि इनके द्वारा यूनिक क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो फाइलें होती थीं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि डिजिटल तरीके से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, अध्यक्ष इसके हैं सुखवीर सिंह संधु। किस संस्थान द्वारा ऑनलाइन साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया जाएगा, तो ये आयोजन किया जाएगा इसरो के द्वारा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसरो के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा,
के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। अब ये जो ऑनलाइन साइबर स्पेस प्रतियोगिता है, इसका आयोजन 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए किया जाएगा। तो 1 से 3 तक के जो छात्र होंगे उनके लिए ड्राइंग प्रतियोगिता होगी, 4 से 8 तक के जो छात्र होंगे उनके लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता होगी, 9 से 10वीं तक के लिए निबंध लेखन की प्रतियोगिता होगी, और जो हमारे 11वीं और 12वीं के छात्र होंगे उनके लिए अंतरिक्ष पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है, इसरो का गगनयान मिशन भी है, और इसके लिए इन्होंने व्योमित्र नाम का अपना एक रोबोट भी बनाया है, और ये एक हाफ ह्यूमेनाइड है। और ध्यान रखिएगा, नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। RBI ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को कितने समय के लिए जमा राशि को स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया, यानी कि अगर आपका पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर आप पैसे अब जाकर के जमा नहीं कर सकते हैं, और ये प्रतिबंध लगाया गया है 6 माह के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर RBI के द्वारा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस समय, यानी कि इसकी वित्तीय स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध इम्पोज कर दिए गए हैं RBI के द्वारा, जैसे कि यह कोई भी नया ऋण नहीं दे सकता है, और ये जमा राशि को भी स्वीकार नहीं कर सकता है अगले 6 माह तक। और अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट है तो वह अपने बचत खाता या किसी भी प्रकार के अन्य खाते से अब पैसा भी नहीं निकाल सकता है अगले 6 माह तक। पीपल्स सहकारी बैंक की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का है, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कानपुर में। मई 2020 में किस राज्य के सभी जिलों में ट्रूनाट MTB मशीनों को स्थापित किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रूनाट MTB नाम की मशीन है, इसका उपयोग COVID-19 टेस्ट के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? COVID-19 टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है, और ICMR के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। तो अब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी जिलों में ट्रूनाट MTB की मशीनें आपको मिल जाएंगी, यानी कि सभी 75 जिलों में ये मशीन आपको मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि अभी लगभग 15,000 लोगों का टेस्ट कर रही है, उसने ये टारगेट रखा है कि हम लोग 20,000 लोगों का टेस्ट करेंगे। और ट्रूनाट MTB के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग ड्रग रेजिस्टेंस TB का पता लगाने में किया जाता है, यानी कि TB के जो हमारे बैक्टीरिया हैं उन्होंने भी अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिया है कि अब उनके ऊपर दवाइयों का उपयोग असर भी नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रूनाट MTB का निर्माण किया गया है। चलिए आपको बताना है कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है कमेंट सेक्शन में। किस मंत्रालय के द्वारा SCL दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये जो समिति है, इसका गठन किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस समिति का गठन किया क्यों गया? दरअसल असम का एक जिला है जिसका नाम है तिनसुकिया, और यहाँ पर है बागजन फील्ड। तो बागजन फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक तेल का कुआं है, और इसमें 8 जून को लग गई थी आग। तो अब आग को हालांकि बुझा लिया गया है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, इसको पता लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होंगे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के जो डायरेक्टर जनरल हैं SCL दास। तो इसमें कुल 3 मेंबर शामिल हैं जिनको 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। भारत व किस समूह के देशों के बीच युवा संवाद, यानी कि यूथ डायलॉग 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ? तो ये आयोजित किया गया भारत और आसियान देशों के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसका नाम है युवा संवाद, और आपको पता होगा कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें अधिकांश आबादी हमारी युवा है। तो इस आभासी सम्मेलन में जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर आधारित पहलों के बारे में चर्चा की गई, और इसकी थीम रही यूथ एज अ व्हीकल ऑफ चेंज, यानी कि जो हमारे युवा हैं वे परिवर्तन के पहिया हैं।
आसियान की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वह सारे इसमें शामिल हैं। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और 2020 के लिए इसका अध्यक्ष देश कौन है, तो वियतनाम इसका अध्यक्ष देश है। सदस्य देश कितने हैं, तो इनकी संख्या है 10। किस अर्धसैनिक बल के द्वारा COVID-19 योद्धाओं के प्रति सम्मान के लिए एक गीत जारी किया गया, तो ये गीत जारी किया है यहाँ पर ITBF ने, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ITBP के द्वारा जो गाना लॉन्च किया गया है इसका नाम है हौसला हिम्मत ना हार। ये गीत जारी किया गया है, इसे लिखा है वरुण कुमार ने, जो कि कांस्टेबल हैं ITBF के, और इसे गाया है विक्रमजीत सिंह ने। ITBF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है इसके सुरजीत सिंह देसवाल। और आपको याद रखना है कि सुरजीत सिंह देसवाल इस समय BSF के भी महानिदेशक हैं, क्योंकि BSF के जो महानिदेशक थे BK जौहरी जी, वे अब MP के नए DGP बन गए हैं। पुस्तक ए बर्निंग, इसके लेखक या लेखिका कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है मेघा मजूमदार ने, और ये इनकी एक नॉवेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका नाम है ए वर्निंग, जिसे लिखा है मेघा मजूमदार ने। लॉकडाउन लाइसेंस, कहानी संग्रह की लेखक या लेखिका कौन है, तो इसे लिखा है शोभा डे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर इस पुस्तक की, तो COVID-19 का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर ये आधारित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक कहानी संग्रह है, तो इसके अंतर्गत जो पहली ई बुक है उसका नाम है लिविंग एंड अदर स्टोरीज, और दूसरी ई बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है नो लव लॉस्ट एंड अदर स्टोरीज, और इसे लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है इसे सोनू सूद ने। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर निर्माणाधीन है, तो अभी तक विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिल जाएगा। कहाँ पर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, और उसकी लंबाई है 1366 मीटर। लेकिन अब दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है वह आपका हुबली रेलवे स्टेशन पर बन रहा है, और ध्यान रखिएगा ये जो हुबली है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, ये कोलकाता वाला हुबली नहीं है। तो इसकी अभी वैसे लंबाई है 500 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई को 1400 मीटर किया जाएगा और इसकी चौड़ाई होगी 10 मीटर। और मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे लंबा वर्तमान में 1366 मीटर का है गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म, और कोल्लम जंक्शन अभी है दूसरे स्थान पर। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले त्रिची रेलवे स्टेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि इसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। अगला प्रश्न है, जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाणिकता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यहाँ पर पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, यानी कि ISO प्रमाणिकता है क्या, तो यहाँ पर एक प्रकार की प्रमाणिकता दी जाती है, यानी कि उसको और ज़्यादा वैलिडेट किया जाता है। तो उड़ीसा की जो सरकार है इनके द्वारा पिछले वर्ष, अगर आपको याद हो, दिसंबर 2019 में मिशन सुविद्या की शुरुआत की गई थी, किसके लिए, जो हमारे ST/SC समुदाय के लोग हैं उनके लिए। तो मिशन सुविद्या के अंतर्गत क्योंझर जिले में जो 32 हॉस्टल हैं और संबलपुर जिले में जो 12 हॉस्टल हैं, इनके लिए ISO प्रमाणिकता मिला है उड़ीसा राज्य को। अब SC/ST जो विकास विभाग है उड़ीसा में, इनके द्वारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के कुल 72 हॉस्टल का मूल्यांकन किया जाना था, लेकिन COVID-19 के कारण ये कुल मिलाकर के 44 का ही मूल्यांकन कर पाए, और उसके बाद में इन्हीं 44 को ये प्रमाणिकता दी गई है। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये इसका होता है पूरा नाम। तो ये रहा करंट अफेयर, और अब थोड़ा सा जो लास्ट में प्रश्न होंगे वे अलग तरीके से होंगे, और इसके लिए अब आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि RBI से जुड़े हुए करंट अफेयर लिखिए। तो यहाँ पर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में RBI से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर इस वर्ष के याद हों उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और जो लोग उत्तर ना लिख पाए वह कोशिश करें कि दूसरे लोगों का करें। तो इस प्रकार से अब हम लोग टॉपिक के ऊपर प्रश्नों को पूछेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आगे के समय में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम की जो वीडियो होगी वह आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस क्षेत्र के
अंदर नियुक्तियों के ऊपर मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, अब जो वीडियो होगा वह इसी चैनल पर आएगा, यानी कि केवी गुरुजी चैनल पर ही आएगा। हालांकि जो बेस्ट आपका 1000 करंट अफेयर की सीरीज है जनवरी से जून तक की, वह वीडियो आपको एबी सर वाले चैनल पर ही मिलेगी। तो वीडियो को आपने समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।